Assalamu alaikum to all my friends, welcome to my channel Lifestyle with Sadia Bazar. आज फिर एक आई मेकअप लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और जस्ट इन वन शेड हम आई मेकअप करेंगे सिर्फ हम एक वन शेड को यूज़ करेंगे और एक ब्यूटीफुल आई मेकअप लाइट से पिंक कलर का आई मेकअप करेंगे जो कि एक पार्टी वेयर पर भी आप करके जा सकते हो और अगर आपने वैसी की गैदरिंग में जाना हो हाइटी वगैरह पे जाना हो तो बहुत खूबसूरत लगता है तो चलते स्टार्ट करते हैं अच्छा सबसे पहले आज मैं क्रलेन की टी वी पेंट स्टिक ले रही हूँ ठीक है इसमें जो शेड मैंने लिया है वो आइवरी शेड है अब अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो मैंने बेस लगाई है आई बेस लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी ना आई की कवरेज जो है को की जो है ना हमारा मेकअप जो है ना वो फ्लॉलेस दिखे उस पर जो पिगमेंटेशन है कलर्स की अच्छी तरह आए तो इस तरह पूरी एक फ्लैट ब्रश की मदद से साथ ना मैंने पूरी जो थी क्या कहते हैं टी वी पेंट स्टिक उससे कवरेज अच्छी तरह वो कर ली उसके बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरह से टैप टैप कर दिया फाउंडेशन को ताकि अच्छी तरह से वो मेरी स्किन के अंदर जो है ना एकदम से मिक्स हो जाए उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर uh, लाजमी लगाएगा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर आपने लेना ताकि आपकी जो है क्रीजिंग ना हो आपकी आइज़ uh, के ऊपर आपके जो शेड्स हैं वो क्रीज़ ना करें ठीक है उसमें ऑयल प्रोड्यूस ना हो इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाया करें अपने आईलिड के ऊपर जब भी आप आई मेकअप स्टार्ट करें उसके बाद एक मैंने कलर लिया है बहुत प्यारा क्लाजोन की मैंने एक जो है ना ब्लश ऑन टाइप कलर लिया था जिसमें तीन

अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है कॉर्नर्स बना लेने हैं ठीक है देखिए जितना आप शेड को ब्लेंड करेंगी ना उतना आपका आई मेकअप खूबसूरत दिखता है उतनी आपकी आ, आई की आ, उतनी आपका जो है ना कलर्स कम्बिनेशन जो है ना कलर की मिक्सिंग वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है अच्छा मैं अभी आई मेकअप कर रही थी तो मुझे याद है मैं तो आईब्रो बना ही नहीं तो सबसे पहले आईब्रो बना लेते हैं ठीक है ये आ, कलर पॉप की जो है मैंने पेंसिल ली है आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पेन भी कह सकते हैं बहुत अच्छी है बहुत अच्छी आईब्रो नीट करती है और स्टॉक्स बहुत अच्छी बनती हैं के साथ लाइक like, बिल्कुल पेंसिल की लिड की तरह इसका आगे से टॉप है और इसको आप यूज़ कर सकते हो जहाँ आपके हेयर्स नहीं है वहाँ पे आराम से जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हो और अपनी शेप खुद से क्रिएट कर सकते हो ठीक है स्टार्ट में स्टोक्स नहीं है लाइट कलर रखा करें स्टार्ट में आ, स्टार्ट में जो होते हैं ना आपकी जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ पर इतना डार्क लुक ना दे वो बहुत आ, जो है ना अजीब सी लुक देती है तो यहाँ मिड मिड से जहाँ पर आपके हेयर्स कम है वहाँ पर थोड़ी सी डार्क लुक और शेप इस तरह से क्रिएट करें कि बिल्कुल ऐसे लगे अभी आप आईब्रो अपनी जो है ना उसकी शेप बनवा के लाएँ उसके बाद ये स्पूली की हेल्प के साथ मैंने मिक्सअप कर लिया है उसी कलर को ठीक है आईब्रो पेन को जो है ना मेरा जो मैंने पेंसिल अप्लाई की है आईब्रो को नीट करने के लिए वो अच्छी तरह हेयर्स पर मिक्सअप हो जाए ऐसे उसके बाद ये मिस रोज का मैं ग्लिटर ले रही हूँ और ये ओपन ग्लिटर्स हैं ये इसमें कोई भी ग्लू नहीं लगी हुई ठीक है और ना ही मैंने अपनी आईलेट पे कोई ग्लू वगैरह लगाई है स्टिकी ग्लू कुछ भी नहीं मैंने लगाया जिससे ये जो है ना प्रेस हो जस्ट मैंने विद द हेल्प ऑफ फिंगर से पिक किया है क्या कहते हैं ग्लेटर्स और उसके बाद अपनी आईलेट के ऊपर टैप टैप कर दिए और मिड के अंदर मैंने रहकर टैप टैप किया ताकि थोड़ा सा ना ग्लोई सा जरा जो है ना शिमरी सा थोड़ा सा जो आजकल चल रहा है आप लोगों का आई मेकअप उस तरह सा इस तरह ग्लो नजर आए आई डोंट नो कि वाई के कैमरे में इतना अच्छे कलर्स ये क्यों नहीं नज़र आ रहे पिंक बहुत प्यारा ये पिंक ही जैसे अनियन का कलर होता है ना तरह का बिल्कुल इसका शेड था और जो ग्लिटर शेड लिया वो भी बिल्कुल मैंने पिंक ग्लेटर्स लिया ये सिल्वर नहीं है ठीक है मे बी आपको वीडियो में सिल्वर नज़र आ रही हूँ उसके बाद जो है अच्छी तरह टैप टैप टैपट कर दिया किसी ब्रश की जरूरत नहीं आप जस्ट विद हेल्प ऑफ फिंगर आप आराम से टैप टैप कर सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद मैंने अपनी कॉर्नर जो है ना अपने आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए मैंने गोल्डन सा एक कलर लिया है और ये मैंने एक हाईलाइटर पैलेट से लिया है डूडू गर्ल की हाईलाइटर पैलेट से मैंने पिक किया है जिससे मैं अपनी आईब्रो को जो है ना हाईलाइट कर रही हूँ ठीक है मैं सिल्वर से भी कर सकती थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा गोल्डन टच इसके अंदर लेके आते हैं तो इसके अंदर जो है ना मैंने गोल्डन से इसको हाईलाइट कर रही हूँ और अपनी आईब्रो को आप अच्छी तरह एंड तक जो है यहाँ पे भी हाईलाइट कर लें और अच्छी तरह से आपकी जो है ना कलर्स नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल मैंने एक वन शेड यूज़ किया है तो जो बिगनर्स हैं जो आई मेकअप करना चाहते हैं जो मेकअप को सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप जस्ट वन शेड से एक बहुत अच्छा आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो बहुत सिंपल सा बहुत ईजी सा इसमें कोई भी कट क्रीज़ नहीं है इसमें कोई भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है कि आपने कलर्स को ब्लेंड करना है तो जस्ट एक वन शेड है मार्बल शेड है आप लोग देख लेना क्लाजोना का वो मार्बल शेड था गोल्डन सिल्वर और पिंकी शेड सब उसके अंदर मिक्स थे जस्ट मेरे विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश जो है अप्लाई किया तो उसके बाद मैंने ब्लैक काजल लगाया है मिस रोज का काजल यूज़ किया है बहुत अच्छा है मिस रोज का रिकमेंडेड है फुल बहुत ज़बरदस्त कवरेज देता है और हमेशा जब भी आप काजल लगाएं उसकी अपनी जो आपकी लोअर लैश लाइन है उस पर थोड़ा सा कलर लेके आप ब्लेंड कर लिया करें जिसकी वजह से ना आपका काजल फैलता नहीं है कोई भी कलर लेके जैसे अब मैंने थोड़ा सा पिंकी कलर लेके उसे ब्लेंड कर लिया था विद द हेल्प ऑफ ब्रश ताकि जो मेरा काजल है वो ज़्यादा फैले मत उसके बाद जो है मस्कारा लगाते हैं मस्कारा लगाने लगी हूँ और मस्कारा भी मैं मिस मिस रोज का यूज़ कर रही हूँ जितनी प्रोडक्ट्स में यूज़ की हैं इस आ, क्या कहते हैं वीडियो के अंदर वो सारी मिस रोज की यूज़ की हैं ठीक है आ, सिर्फ आई शेडो पैलेट को छोड़ के वो मैंने क्लाजोना का यूज़ किया तो मिस रोज का ही मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ आराम आराम से आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईब्रोज़ को ऊपर नीचे करके ताकि अच्छी तरह से मस्कारा अप्लाई हो जाए आप अपने लोअर लैश लाइन का भी मस्कारा अप्लाई किया करें बहुत सारे लोग अपने लोअर लैश लाइन को इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे लोग तो मस्कारा अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि हमने आई लगानी होती है लेकिन आई से पहले अगर आप मस्कारा के कोट कर लेंगे ना तो आपकी आई बहुत खूबसूरत नज़र आती है तो हम अच्छी तरह मस्कारा का कोट कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन में भी आप आराम से जो है मस्कारा लगाएं तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है जो न्यू बिगनर्स हैं जो आई मेकअप या मेकअप में इंटरेस्ट लेते हैं जिनको शेड्स का पता नहीं चलता तो अगर आपको कोई पिंक सा लाइट सा ड्रेस है जिसके अंदर कोई सिल्वर या गोल्डन वर्क हुआ हुआ है तो आप उसके लिए जो अगर आप पार्टी पर वेयर करना वेयर करके जा रहे हो तो आप ऐसा मेकअप लाइट जो है ना आई मेकअप कर सकते हो उसके बाद अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैग्नेटिक आई है ठीक है मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इसको यूज़ किया था इसलिए मैं आई की जो लेयर है बिल्कुल आईलेट के आई के साथ साथ जो है ना लेयर लगाएंगे लेकिन थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे क्योंकि मैं मैग्नेटिक आई यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे आईलाइनर थोड़ा सा मोटा चाहिए तो मैंने एक जस्ट ये आ, आ, मोटी सी लाइन लगाई है ठीक है अपनी बिल्कुल आई के साथ साथ और उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं मैग्नेटिक आई लाइने बहुत इजी है आई लैशेज़ लगाना बहुत इजी है बहुत कंफर्टेबल है बिगनर्स के लिए मैं तो कहती बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप एक बार बाय कर लो और आपके सुकून आ जाएगा आप लोगों को बहुत इजी है इसको ड्राई होने देना आई लाइनर आई लाइनर आपको साथ मिलता है आई लैशेज़ भी सेवन टू एट आई लैशेज़ के पैकेज आपको साथ मिलते हैं है। और उसके बाद जब आपका आई लाइनर ड्राई हो जाएगा बिल्कुल मैगनेट की तरह आई लैशेज़ जो है ना ये देखें आपके साथ आपकी जो है ना आईलेट के ऊपर ना आराम से चिपक जाती हैं आपके आई लैशेज़ के ऊपर तो उसके बाद मैं मिस रोज का मार्कर यूज़ कर रही हूँ ठीक है मिस रोज़ का आई मार्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे कहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आई लाइनर सही तरह ब्लेंड नहीं हुआ हुआ या आई लाइनर थोड़ा बहुत रह जाता है ना आफ्टर आई लैशेज़ के तो उसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा नीट करके उसके बाद हम एक छोटा सा विंग बनाएंगे बहुत प्यारा सा क्योंकि आजकल विंग का बहुत ट्रेंड है लेकिन बहुत बड़ा नहीं बना रही बहुत छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि मेरी आंख भी बहुत छोटी सी है और मेरी आंखों की स्वेलिंग को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आजकल स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है डोंट नो वाई तो उसको इग्नोर कीजिएगा उसके बाद ये लाइट सा विंग मैंने क्रिएट किया है नीचे से ऊपर टॉप से और मिस रोज का मार्कर यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त आईलाइनर मार्कर है जो लोग केक केकी आई नहीं यूज़ कर पाते और क्या के कहते हैं इसके अलावा जो डिफरेंट आई होते हैं उनको नहीं यूज़ कर पाते विद हेल्प ऑफ ब्रश तो ये मार्कर लाइनर सबसे बेस्ट होता है बहुत ईजी टू तो अप्लाई होता है और इसके अलावा ये देखिए मैंने एंड से भी इसका विंग बना लिया छोटा सा और उसके अलावा अच्छी तरह जो है ना मैंने आईलाइनर को जो है यहाँ पे मैच कर दिया टॉप से भी एंड से भी उसके बाद एक कंसीलर ब्रश जिससे मैंने कंसीलर अपना आई बेस लगाई थी कोई भी मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाया जस्ट फ्लैट ब्रश लेके मैंने आईलाइनर की लुक को और जो मैंने अप्लाई किए थे कलर्स अपनी आइज़ के ऊपर उसको थोड़ा सा नीट लुक दी है ताकि कटिंग आपकी एक नीट सी लुक आ जाए ना जस्ट आपके कलर्स कट जाते हैं उस साइड से तो ब्रश से फ्लैट ब्रश से विद हेल्प ऑफ फ़्लैट ब्रश आप एक नीट लुक दे दें उससे आपका ये कट जाता है तो ये रहे आप फुल मिक्स मेकअप और ज़बरदस्त किस्म का लाइट सा पिंक कलर का थोड़ा सा इसमें सिल्वर टच बहुत प्यारा खूबसूरत ग्लिटर आई मेकअप भी हो गया पार्टी वेयर के लिए इजी है बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देगा लाइट सी आई लैशज़ हैं मैग्नेटिक आई लैशेज़ है ज़बरदस्त है इनशाला इस पर जल्दी एक वीडियो लेके आ रही हूँ पूरी इन आई लैशेज़ के ऊपर ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ से मैंने बाई की और इसको कैसे यूज़ करना सब कुछ उस डिटेल वीडियो में बताऊँगी इन तो यही थी आज की वीडियो आई होप आपको मेरी ये आज की लुक अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी आज की ये जो आई पैलेट की वन आई पैलेट की वीडियो कैसे लगे आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज